फिर उसकी गुफा के पास पहुंचे और गधे ने कहा, महाराज महाराज दरवाजा खोलिए। शेर ऐसे घमंड से आया, मेरी गुफा में कौन आया? बाहर निकला तो देखा जानवरों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने कहा, बोलो बोलो क्या कह रहे हो? गधे ने कहा, महाराज हमारे पास हम एक प्रपोजल लेकर आए हैं आपके पास। उसने कहा, मेरे पास प्रपोजल? इतनी हिम्मत? महाराज आप रोज जंगल आते हो, 7-8-10 जानवरों को मार देते हो। हमने ऐसे सोचा है कि रोज हम में से एक जानवर आपके पास आ जाएगा, आप रोज एक को खा लिया करना। शेर ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं शेर हूँ, मैं खुद शिकार करता हूँ। तो कहते तो महाराज लेकिन ऐसे रोज 8-10 जानवरों को मारोगे तो एक दिन जंगल के जानवर ही खत्म हो जाएंगे और एक दिन आप बुढ़े हो जाओगे, फिर क्या होगा? तो हम ऐसे सोच रहे, रोजाना हम में से एक जना आपके पास आएगा, आप खा लेना और जब आपका बुढ़ापा आएगा उसके पहले आपकी ये आदत भी बन जाएगी। तो शेर ने सोचा, आइडिया तो बुरा नहीं है, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खाने को भी मिलेगा। तो उसने कहा, ओके। शेर ने कहा, डन, लेकिन अगर तुमने चीटिंग करी, तुम में से कोई नहीं आया, तो फिर मैं एक दिन तुम सबको खा जाऊंगा। हाँ महाराज महाराज, हमारी इतनी हिम्मत थोड़ी ना। सब रेडी हो गए। अब अगले दिन उन लोगों ने ये तय किया, हम लोग रोजाना एक स्लिप निकालेंगे, जिस जानवर का नाम निकलेगा वो जानवर शेर के पास चला जाएगा। ठीक है, निकालो एक चिप, देखिए कौन सा जानवर का नाम है। आज कौन इससे पूछते हैं, आज कौन सा जानवर जाएगा? दिखाओ दिखाओ, इसमें लिखा हुआ आज जाएगा जिराफ। जिराफ ने कहा, ठीक है जा रहा हूँ, अच्छा दोस्तों बाय बाय। अब वो चले। नेक्स्ट डे, बस बस बस, नेक्स्ट डे और निकालो देना। ये लो तुम्हारा, पकड़ो कि देना है ना। मुझे नहीं मिला। बस कोई बात नहीं, और नहीं है ना। इसमें क्या नाम लिखा हुआ है? स्वान। तो उसने कहा, वो चला गया। ऐसे रोजाना रोजाना एक एक चिट निकलती और जानवर जाते। अब ये आज चिट निकली थी रैबिट की। ओ वेरी गुड, पकड़ो अभी पकड़ो। आज निकली है चिट रैबिट की। किसकी निकली है? रैबिट। रैबिट भाग गया, हो गया। तो उसने कहा कि सब जानवर ने कहा, रैबिट आज तुम्हारा नंबर है। बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बचा लो। हॉर्स ने, कैट ने सब कहा, ऐसे नहीं चलेगा, तुमको जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर हमको खा जाएगा। रैबिट ने कहा, ठीक है जाता हूँ। अब रैबिट उसकी गुफा की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको जंगल में क्या मिला? कुआं मिला। उसने सोचा कि इस शेर के मुंह में जाकर टुकड़े टुकड़े होने से तो अच्छा है मैं इस पे कूद के मर जाऊं। मेरा बहुत रो रहा था, तो बैठा रहा। फिर उसने सोचा कि लेकिन कूद के भी मर जाऊंगा तो भी मरना तो है ही, तो मैं कुछ सोचूं कि क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाता हूं। तो वो क्या हुआ कि वो अभी सुनो आगे सुनो तो सही। उसने क्या हुआ, कुएं में झांका, सोचा कि मैं मर जाता हूं। अचानक उसने कुएं में क्या देखा? खुद का रिफ्लेक्शन। पानी में दिखता है ना, अपनी परछाई दिखती है ना। हाँ। उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखा। उसके शैतान दिमाग ने, उसके इंटेलिजेंट दिमाग का, ओह वाओ, मिल गया आइडिया। अब तो देर हो रही थी, वो भागा कहां गया? शेर की गुफा के पास। महाराज मैं आ गया हूँ, महाराज मैं आ गया हूँ। शेर अंदर से निकला, तुमने इतनी देर कर दी, मैंने बता रखा है मुझे 10 बजे भूख लगाती है और तुमने इतना लेट कर दिया 12 बजे तक, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो महाराज मैं क्या करता, जंगल में एक और शेर था। जंगल में एक और शेर?
हाँ मिलना, एक शेर था वो कह रहा था हा 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 अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं हमारे राजा को पूछ रहे हैं। उसने कहा मैं उस तुम्हारे उस शेर को हरा दूंगा और अब यहाँ पे मेरी चलेगी, अब मैं ही खाऊंगा तुमको। उसने कहा नहीं नहीं हमको भाई मैं तो मेरे महाराज के पास ही जाऊंगा। तो महाराज ने कहा ऐसा कौन है इतनी हिम्मत? उसने कहा हाँ महाराज। तो बोले मैं देखता हूँ उसको। नहीं नहीं महाराज मत जाओ मत जाओ, नहीं तो वो क्या करेगा आपको खा जाएगा। वो बहुत ताकतवर है शेर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है मैं हूं ना। नहीं महाराज आप जानते नहीं हो ऐसा नहीं है, वो बहुत ताकतवर है। महाराज ने कहा मुझे दिखाओ। पर गुंडा आप इतना ही कह रहे हो तो चलो, लेकिन ध्यान रखना वो खतरनाक है। शेर ने कहा कोई बात नहीं मैं किसी से नहीं डरता, मैं राजा हूं इस जंगल का। फिर खरगोश आगे आगे शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे शेर पीछे पीछे, और वो लोग पहुंच गए कुएं के पास। और खरगोश महाराज इसके अंदर ही छुप के बैठा हुआ है वो। शेर ने इसके अंदर छुप के बैठा हुआ है मैं देखता हूँ। शेर ने उसमें झांका, उसको लगा अरे यहाँ तो सच में दूसरा शेर बैठे, क्योंकि शेर को भी क्या दिखा था उसका रिफ्लेक्शन, लेकिन शेर को पता नहीं था कुछ भी। शेर ने कहा ये कौन है जो मेरा दुश्मन है? अब क्या हुआ कि कुएं में से आवाज इको हुई, फिर आवाज आई घूमने से। अरे बाप रे ना तो सच्ची में दूसरा शेर है। उसने कहा मैं आता हूँ मैं ताकत कर लूँ, और वो कुएं में कूद गया। शेर उछलने लगा, फिर ये जो ये है ना ये वापस अपने दोस्तों के पास गया। उछलते 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 सबने कहा डकने कहा हमको शेर खा जाएगा। बोले अब तुमको ही नहीं किसी को भी शेर नहीं खाएगा। और उसने पूरी बात बताई, सारे जानवरों ने जोर जोर से क्लैपिंग की कि अगर हम कोई भी मुसीबत आए, अब हमको इससे क्या सीखने को मिला, कोई भी मुसीबत आए तो उससे हमें घबराना नहीं है बल्कि अपना दिमाग लगाना है, इंटेलिजेंस से कोई ना कोई सलूशन निकालना है। अरे तो अब तो ये सारे एनिमल्स बच गए ना, अब तो शेर ही मर गया तो इन एनिमल्स को मरना ही पड़ेगा। तो अब उस रैबिट के लिए हमको क्या करना है, जोर से क्लैपिंग करूं।